हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंस्टेंट ओट्स डोसा, जो कि खाने में तो डिलीशियस है ही, साथ ही साथ सेहत के गुणों से भरा हुआ है। ओट्स में होता है ढेर सारा प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, और ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ओट्स से बेटर कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता है। तो आज इंस्टेंट ओट्स डोसा आपको बता रही हूँ, जो कि 7 to 10 मिनट्स में बन जाता है, एंड ये आपके पेट पर भी भारी नहीं है और आपकी जेब पर भी भारी नहीं है, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसे पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपको लेने हैं 1 कप ओट्स। आप इन्हें मिक्सी में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए ओट्स का। तो ओट्स का ये जो पाउडर है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप चावल का आटा। चावल का आटा आपको आसानी से ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो घर में आप जो भी राइस हैं आपके पास, आप उनको पीस करके भी चावल का आटा बना सकते हैं। नाउ वी विल मिक्स सम स्पाइसेस। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही जितनी खट्टी हो उतनी अच्छी है, और दही ब्रेकफास्ट में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो 1 कप दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप पानी। पानी पहले 1 कप डालेंगे, कंसिस्टेंसी इसकी देखेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे। तो ये मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, इसमें कोई लंप नहीं रह जाना चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा इस बैटर को। नाउ आई थिंक कि इसमें 1/2 कप पानी और डलेगा, तो मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पानी ऐड करके सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हो इसमें। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, करी पत्ता हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको तीखा बनाने के लिए और क्रंची बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप ये परफेक्ट बैटर हमारा बन करके तैयार है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी आएगी इसकी। अब आप अपना फ्लैट तवा लेंगे, डोसा तवा या फिर नॉनस्टिक तवा, जो भी आप यूज़ करते हैं, फ्लैट तवा लेंगे। हल्का सा उसे ग्रीस कर लेंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच तेल डलेगा। हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से तवे पर फैला लेंगे ऑयल को, और तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए, बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम ये बैटर तवे पर डालेंगे, डोसे की शेप दे देंगे, जो भी शेप आप देना चाहें। मैं यहाँ ओवल शेप दे रही हूँ, तो इस तरीके से आप फैला लेंगे। जब डोसा तवे को छोड़ने लगे, ये देखिए हल्का हल्का तवे को छोड़ रहा है, तो आप ऊपर से इसे ढक देंगे, ताकि जो अंदर वाली ऊपर वाली साइड है वो भी पक जाए और नीचे से वो क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरीके से ऊपर से ढक देंगे तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आप 30 सेकंड्स के बाद जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो नीचे से थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो चुका होगा और ऊपर से भी स्टीम से पक चुका होगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा डोसा। नीचे से फोल्ड कर लेंगे डोसे की शेप में इस तरीके से, एंड ये आपका हेल्दी एंड टेस्टी मिनी डोसा, इंस्टेंट ओट्स डोसा बन करके रेडी है। बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप इसे नारियल की चटनी के साथ, या फिर सांभर के साथ, या फिर आप रेड सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एंड परफेक्ट ब्रेकफास्ट है जिसमें हेल्थ भी है, टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है। तो इसको बनाइए, खाइए, और कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस। तो मैं मिलूँगी आपसे एक और अच्छी सी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।